नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आरके जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस पर महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। राहुल ने कहा कि मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता। गांधी और गोडसे की विचारधारा में क्या फर्क है, ये गहरा सवाल है। नई दिल्ली, ब्यूरो रिपोर्ट। नेता डिसूजा जी, ऑल आवर सीनियर लीडर्स, महिला कांग्रेस ऑफिस बेयरर्स, all our workers and friends from the media, I would like to welcome all of you here and congratulate all the Mahila Congress workers, sisters for their Foundation Day. I'd like to also thank you for all the work that you have been doing over the last 25 years, how many? 38 years. आज देश में आरएसएस की बीजेपी की सरकार है। और इनकी आइडियोलॉजी जो है, इनकी जो विचारधारा है और हमारी जो विचारधारा है, अलग विचारधारा है। या एक विचारधारा देश पर राज करेगी या दूसरी विचारधारा देश पर राज करेगी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता होते मैं ये बात समझता हूं कि मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, मगर मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। कांग्रेस की विचारधारा गांधी जी की विचारधारा में और गोडसे की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा में क्या फर्क है, यह हम सब के लिए एक जरूरी सवाल है और गहरा सवाल है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी है, कि बीजेपी के आरएसएस के लोग हिंदू पार्टी। तो अगर पिछले 200 साल में किसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा हो और हिंदू धर्म को अपनी प्रैक्टिस बनाई हो, तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इसको हम भी मानते हैं और इसको आरएसएस के लोग भी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। तो अगर महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को समझा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को समझने में लगा दी, तो आरएसएस की विचारधारा ने उस हिंदू की छाती में 3 गोली क्यों मारी? जिसको पूरी दुनिया
उदाहरण मानती है। मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग कहते हैं हां महात्मा गांधी एक उदाहरण थे, और महात्मा गांधी ने अहिंसा को सबसे अच्छे तरीके से समझा और सिखाया, और अहिंसा हिंदू धर्म का फाउंडेशन है। तो फिर आरएसएस की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा, गोडसे ने उस व्यक्ति के छाती के अंदर 3 गोली क्यों मारी? यह बहुत गहरा सवाल है। कॉन्ट्रडिक्शन, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात, दिवाली का समय है, लक्ष्मी जी की मूर्ति आपने देखी है? नहीं, जोर से बोलो, देखिए। अच्छा, मुझे बताइए लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी माता जो होती है वो क्या है? आप सब उनकी पूजा करते हो, ये है क्या? हाँ, एक एक करके। अच्छा, एक महिला बोले, आप बोलिए। एक महिला? नहीं, नारी शक्ति नहीं है। मैं बताता हूं आपको, मैं समझा देता हूं। नहीं, जम्मू में मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने कहा, ये कहा कि लक्ष्मी वो शक्ति है जो घर में पैसा लाती है। गलत इंटरप्रिटेशन। लक्ष्मी शब्द लक्ष्य से आता है, लक्ष्य को जो शक्ति पूरा करती है। आपके दिल में कोई भी लक्ष्य हो, कोई पैसा बनाना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई राजनेता बनना चाहता है, उसके दिल में जो भी लक्ष्य होता है उसको जो शक्ति पूरा करती है उसे हम लक्ष्मी कहते हैं। अगर किसी का लक्ष्य पैसे बनाने का है और वो लक्ष्य पूरा हुआ तो लक्ष्मी ने काम कर दिया, सही? अच्छा, दूसरा सवाल, दुर्गा नाम आपने सुना होगा? नहीं सुना है? दुर्गा का क्या मतलब? अच्छा, एक बात बताता हूं, ये सब मीडिया वाले हैं ना, ये भाषण टेलीविजन पर नहीं डालेंगे, ये डाल ही नहीं सकते, ये भाषण टीवी पर नहीं जा सकता। हम इनको दोस्त कहते हैं मगर ये दोस्त है उनके। तो ये दुर्गा क्या है? दुर्गा शक्ति है, मगर किस चीज की शक्ति? देखिए, ये हमारा धर्म जो है बड़ा लॉजिकल है। दुर्गा शब्द आता है दुर्ग से, दुर्ग का मतलब किला, दुर्गा मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। जो शक्ति लक्ष्य पूरा करती है उसे हम लक्ष्मी कहते हैं। जो शक्ति रक्षा देती है, रक्षा करती है, उसे हम दुर्गा कहते हैं, सही? क्लियर? अब देखिए, राजनेता का काम दुर्गा और लक्ष्मी को, इन शक्तियों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का होता है। बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के घर में दुर्गा मतलब रक्षा, लक्ष्मी
मतलब लक्ष्य पूरे करने की शक्ति डालने का काम हर राजनेता का होता है। मैंने कुछ गलत बोला? अभी तक लाइन में है, ठीक ठीक पटरी पे चल रही है गाड़ी? अब सवाल पूछता हूं, जब मोदी जी ने नोटबंदी की तो उन्होंने हमारी माताओं बहनों के घर से के घर में लक्ष्मी शक्ति बढ़ाई या कम की? कम की ना। जब ये नरेंद्र मोदी जी ने किसानों पर 3 कानून लागू किए, इनसे लक्ष्य पूरे करने वाली शक्ति उन्होंने छीनी या उनको दी? छीनी। जब जीएसटी लागू किया, छोटे दुकानदारों के घर में उन्होंने लक्ष्मी और दुर्गा डाली या निकाली? और जब कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लागू किया तो हमने करोड़ों घर में लक्ष्मी की शक्ति डाली या निकाली? जब हमने आरटीआई लागू किया, हमने करोड़ों लोगों के हाथों में दुर्गा की शक्ति डाली, हां या नहीं? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन देश को दिया, वन मैन वन वोट दिया, हमने दुर्गा की शक्ति बढ़ाई या कम की? लक्ष्मी की शक्ति ज्यादा की या कम की? तो ये हो क्या रहा है? वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। बात समझ आई? क्लियर थी? अब चलिए इस चिन्ह की बात करते हैं। ये आपने चिन्ह देखा होगा, ये दीजिए मुझे, ये निकाल के दीजिए। मैंने शक्ति की बात की, दुर्गा की बात की, लक्ष्मी की बात की, अगली बार आपको सरस्वती के बारे में बता दूंगा, वो शक्ति बच गई। अब ये जो है ये क्या है? नेताजी ने बड़ी अच्छी बात बोली मुझे। पहली बार प्रेसिडेंट बनने के बाद वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा, देखिए राहुल जी, ये हमारा चिन्ह है और ये जो बड़ा चिन्ह है ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है, ये जो बड़ा चिन्ह है ये भी हमारे चिन्ह के अंदर होना चाहिए। मैंने सोचा, कहा बिल्कुल सही बात बोली आपने। ये जो हाथ का निशान है ये हमारे चिन्ह में होना चाहिए। क्यों? ये जो हाथ का निशान है इसका मतलब क्या है बताइए? आज मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं। एकता नहीं, संगठन नहीं, आशीर्वाद बिल्कुल नहीं। अब सुनिए, ये जो चिन्ह है ये आपको हर धर्म में दिखाई देगा, हर धर्म में दिखाई देगा। आप शिवजी के फोटो देखेंगे ये दिखेगा, देखा आपने? आप महावीर की फोटो देखेंगे ये दिखेगा, दिखेगा? बुद्धा की फोटो देखेंगे ये दिखेगा, सही? गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट, साईं बाबा। अब यहां पे हमारी
मुसलमान बहनें भी होंगी, आपके धर्म में चिन्ह अलाउ नहीं होता है, मगर जब आप अल्लाह से कुछ मांगती हैं तो आप अपने हाथ से दाएं हाथ से मांगती हैं, सही बात। तो ये हाथ दाएं हाथ सब जगह दिखता है। किसी ने साईं बाबा की बात की, ये बीजेपी के ऑफिस में आपको नहीं दिख सकता, मगर हर धर्म में आपको ये दिखेगा। लोग कहते हैं कि ये आशीर्वाद होता है, ये आशीर्वाद बिल्कुल नहीं होता है। इस चिन्ह का मतलब होता है सच्चाई से डरो मत। उनकी विचारधारा डरो और डराओ, डरो और डराओ। और उन्होंने पूरे देश में जो उनके दिल में जो डर था वो पूरे देश में फैला दी। आज आप देखिए, मैंने मीडिया वालों का मजाक उड़ाया कि हैं उनके मित्र, नहीं उनके मित्र नहीं है, डरे हुए हैं। आप किसान के पास जाओ, घर से लक्ष्मी दुर्गा निकाल दी, वो भी डरे हुए हैं। आप किसी महिला के पास जाओ, सड़क पर वो चलती है, रक्षा नहीं होती, मतलब साथ में दुर्गा की शक्ति नहीं है, डर लगता है। मोदी जी कमरे में बैठते हैं, ना दुर्गा ना लक्ष्मी, डर से कांपते हैं, सच्चाई है। आप देखो चाइना ने वहां पे थोड़ी सी आंख मिला दी, मोदी जी कहते हैं किसी ने जमीन नहीं ली, किसी ने जमीन नहीं ली, किसी ने जमीन नहीं ली, हजारों किलोमीटर जमीन ले ली, मगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है किसी ने जमीन नहीं ली, शक्ति नहीं है। पूरी जिंदगी झूठी है, शक्ति नहीं है, पूरी जिंदगी झूठ से सच्चाई से भागे हैं, शक्ति नहीं है। यहां पे हम अड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं पत्थर जैसे, एक इंच पीछे नहीं हटते, कहते हम नहीं डरते, आ जाओ जो करना है कर लो, मर जाएंगे पीछे नहीं हटेंगे। हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है, हम नहीं डरते। यह है कांग्रेस पार्टी। आपने देखा होगा अभी गांधी जी की फोटो देखी, आपने गांधी जी के साथ आपको तीन चार महिलाएं दिखेंगी ही दिखेंगी, सही। मोहन भगवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है, कभी देखी है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका संगठन महिला शक्ति को दबाता है, क्रश करता है। हमारा संगठन महिला शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देता है। नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने महिला को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो हमारे लिए चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, आदिवासी हो, बंगाल का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, हमारे लिए सब एक हैं। हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, डरा या नहीं। अगर नहीं डरा कांग्रेसी है, अगर डर गया कांग्रेसी बनाना है। अगर डर गया कांग्रेसी बनाना है,
डर को निकालना है और कांग्रेसी बनाना है। यह फर्क है हम में उनमें। और आज क्या हो रहा है, आरएसएस ने, नरेंद्र मोदी ने दुर्गा की शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति, किसानों के हाथ से, मजदूरों के हाथ से, छोटे दुकानदारों के हाथ से, महिलाओं के हाथ से निकालकर तीन चार लोगों के हाथ में डाल दिया। आज हिंदुस्तान में 10-15 लोग हैं जिनके पास दुर्गा की शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति सब कुछ है, लाखों करोड़ रुपए है, कोई डर नहीं किसी चीज का। वो मोदी जी के मित्र हैं, उनका काम हो रहा है। मगर आप आम आदमी से पूछिए, किसान के घर जाइए, इस बार आप देखना दिवाली आ रही है, जाके पूछिए दिवाली मनाने के लिए आपके घर में कितना पैसा है बताओ, कहेंगे पैसा नहीं है। तो पूरा का पूरा पैसा, नोटबंदी, जीएसटी, किसान बिल, कोरोना, मोनेटाइजेशन, लक्ष्मी की पूरी शक्ति हिंदुस्तान की पूरी जनता से खींच के चार पांच हाथों में कर दी। और जो आपको प्रोटेक्शन मिलता था, दुर्गा की जो शक्ति है, जो बोलना है बोल दो, कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस का प्रधानमंत्री है, अच्छा ना, कोई बात अच्छी नहीं लगी खुल के बोलो, वो दुर्गा की शक्ति होती है, वो सब आपसे छीन ली। यूनिवर्सिटी में कहते हैं हम आपको बताएंगे क्या सोचना है समझना है, आरएसएस का संगठन बताएगा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक शब्द नहीं बोल सकते, मैं जा ही नहीं सकता यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि मैं चला गया तो मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा देखो तुम्हारे खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, देखो तुम्हारे भविष्य किस प्रकार का बन रहा है, देखो तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, देखो मेक इन इंडिया झूठ है। वो बोलना अलाउड नहीं है, डरते हैं, हिंदुस्तान के स्टूडेंट से डरते हैं, किसान से डरते हैं, महिलाओं से डरते हैं। ये आपका काम है देश को बताना कि नरेंद्र मोदी ने जिस शक्ति को हम लक्ष्मी कहते हैं उस पर आक्रमण किया है, जिस शक्ति को हम दुर्गा कहते हैं उस पर आक्रमण किया है, जिस शक्ति को हम सरस्वती कहते हैं उस पर आक्रमण किया है। यह आपका काम है और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। यह है आपका चिन्ह, किसी चीज से, किसी व्यक्ति से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरने की जरूरत है तो उनको डरने की जरूरत है आपसे। तो यह मैं मैसेज आपको देना चाहता था। आखिरी बात, नफरत से नहीं लड़ना, नफरत हमारा औजार नहीं है, हमारा औजार प्यार है। क्योंकि जिस दिन, देखिए हम नफरत से लड़ सकते हैं, मगर जिस दिन हमने नफरत से लड़ना शुरू किया उस दिन हम डर गए। मतलब नफरत डर का एक रूप होती है, सही बात, नफरत डर का रूप होता है। तो जिस दिन हमने नफरत दिखा दी उस दिन हमारे अंदर डर पैदा हो गया, हम कांग्रेसी नहीं रहे, हम वही मर गए। तो हमें डरना नहीं है, हमें प्यार से लड़ाई लड़नी है। और ये सारे के सारे आरएसएस वाले जो कंफ्यूज हो गए हैं,
जिनके दिमाग में हिंदू धर्म के बारे में कंफ्यूजन घुस गया है, इनके दिमाग से प्यार से हमने कंफ्यूजन निकालना है, और जो इनका डर है उसको निकालना है, और उस डर को निकालकर अंदर प्यार डालना है। हमारा काम है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय राहुल गांधी जी। हम सबके नेता, हम सबके नेता, हम सबके परम आदरणीय, आज जिस तरह से आपने हम महिला कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है, यकीन जानिए आज के बाद 100 गुनी ताकत के साथ हम मैदान में जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे और अपनी बात करेंगे। अब सच्चाई आपके द्वार भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा नेता डिसूजा जी ने एक बुकलेट तैयार करी है, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सच्चाई आपके द्वार। मैं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी से, आदरणीय कुमारी शैलजा जी से और हमारे समस्त नेतागणों से कहेंगे कि उस पुस्तक का अनावरण करें, ताकि हम 100 गुनी ताकत से भी ज्यादा क्षेत्र में जाएं और इन झूठों का पर्दाफाश करें। आदरणीय पंडित नेहरू जी और गांधी जी के इस देश में जहाँ संस्कृति और परंपरा की दुहाई पूरी दुनिया में दी जाती थी, भारत की, आज उस देश में सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आज महिला कांग्रेस की इस पुस्तक का अनावरण आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा हो रहा है। हम सब जोरदार तालियों से जय जयकार करके इस पुस्तक का अनावरण करेंगे। महिला समय तो आता जाता है, परंतु जो याद रहता है वो स्मरणीय होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट से अनुरोध करती हूँ कि हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि राहुल गांधी जी वेणुगोपालन जी का स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें। विद्या नेगी जी, अमृता धवन जी, उनका स्वागत करते हुए बहुत बहुत आभार आप सबका। अब मैं चाहूँगी कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। एज राइटली सेड बाय नोबल लॉरिएट, अमिता जी आप भी स्मृति चिन्ह भेंट करें राहुल जी को। दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, as rightly said by Nobel laureate Malala, I raise my voice not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. We cannot all succeed when half of us are held back. Stree ka jo sirjan ki shakti mani jati hai, main anirodh karungi Delhi Pradesh महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमिता जी को कि वो वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद प्रस्ताव दें। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है। दया जरूर है दरिया तुझे अपनी रवानी पर, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है, दरिया को पार करना है। आज मैं अमृता धवन, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद करती हूँ, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का धन्यवाद करती हूँ, यहाँ पर उपस्थित हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, प्रदेश अध्यक्षों का, जिला अध्यक्षों का, और जो महिलाएं कोने कोने से हिंदुस्तान के दिल दिल्ली में आई हैं,